हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत। और आज की वीडियो और काफ़ी ज़्यादा कमाल की एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी जियो के फ़ोन यूज़ करते हैं उनके सभी के लिए जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैंने एक वीडियोज़ डाली थी अपने चैनल पर कि व्हाट्सअप कैसे चलाएं, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन उसमें कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने कमेंट पढ़ी, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स थी कि हम व्हाट्सअप चला रहे हैं लेकिन हमारे व्हाट्सअप पे ओटीपी जो नहीं आ रहा है, जिस नंबर पे हम चला रहे हैं तो उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जिस वजह से वे व्हाट्सअप जो यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ओटीपी कैसे आएगा और आप जो डिटेल्स में यानी जो व्हाट्सअप है वो आप कैसे चला पाओगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो गाइस सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर व्हाट्सअप आपको देखने को मिल जाती है फाइनली। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने व्हाट्सअप पे ओपन करा और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सभी को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर टर्म्स एक पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है और दूसरा एग्री का। तो एग्री वाले ऑप्शन से आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और यहाँ पर डाल रहे हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, ये जो मेन ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर दूसरा एक स्मार्टफोन है जिसमें कि मैंने जो सिम है डाला हुआ है, यानी कि इस वाले फ़ोन में जो सिम है मैंने जो नेट के चलाने के लिए डाल रखा है, और जिस पर मुझे व्हाट्सअप बनानी है वो मैंने इस वाले में नंबर डाले। यानी कि अगर आपको जो जिस पर नंबर पर व्हाट्सअप चलानी है, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा तो वो आपको सिम जो किसी दूसरे अनदर फोन में डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया स्मार्टफोन में, और डालने के बाद यहाँ पर देखते हो यहाँ पर जो मैंने इसको डाल के रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। साइड में रखने के साथ साथ यहाँ पर जो हम अपने जियो के फ़ोन की तरफ आते हैं, और जियो फोन में जो मैं अपना यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर नंबर जो अपना डाल देता हूँ जल्दी से। वो डालने के बाद जो है अब यहाँ पर जो मैं अपना नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, तो इसको मैंने नंबर को यहाँ पर फिल कर दिया। तो गाइस नंबर फिल करने के बाद जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है, तो मैं इसको आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे आप नंबर डालते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आ चुका है चेकिंग्स व्हाट्सअप अपडेट। तो यहाँ पर आपको एक SMS का ऑप्शन मिलेगा, सेंडिंग SMS का आपके नंबर पर, तो आपको सिंपली इसको जो ओके कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है, और ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास जो दूसरे वाले फ़ोन पर यहाँ पर जो OTP है वो यहाँ पर आ चुका है। तो पहले OTP नहीं आ रहा था, यहाँ पर अब जो OTP आ चुका है तो मैं आपको OTP दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो OTP है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 835 और 136, तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। तो यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ 835 136। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है, और इस वाले फ़ोन में जो था OTP मेरा नहीं आ रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मैंने स्मार्टफोन में डाला तो OTP आ चुका है। आपको क्या है, आप सेंड पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ओके वाले पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है हल्का सा आपको, और वेट करने के बाद जो है फाइनली जो आपका जो व्हाट्सअप है वो यहाँ पर चल जाएगा। और यहाँ पर देखते हो माई प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपके आ जाएगी। अगर आप इसमें नाम डालना चाहते हो या कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली जो मैं अपना नाम है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है AJ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया AJ, और यहाँ पर जो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर इंटरफेस जो आ जाता है। तो हम अपने फ़ोन को रखते हैं स्मार्टफोन को साइड में, क्योंकि इसका इतना ही काम था। और करने के बाद यहाँ पर आपको दो या तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर चैट कर सकते हो, किसी का स्टेटस देख सकते हो। तो स्टेटस पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, और स्टेटस पर आप अपना जो खुद का एक स्टेटस लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको जो कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप जो किसी से वीडियो कॉल पर भी जो बात कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं इसको बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं नीचे। एक मिलता है ऐड कॉन्टैक्ट का, यानी कि आप किसी का भी जो नंबर है वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं ऐड कॉन्टैक्ट पे जाके। और दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको जो मोर का ऑप्शन, तो इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको जो मिलता है ऑप्शन का, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलता है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, अकाउंट के साथ यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन का मैसेज मिल जाता है, और चैट्स का नीचे मैसेज मिल जाएगा। और साथ ही अगर यहाँ पर बात करें तो देख सकते हो, तो आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको डाटा यूज़ कितना आपने डाटा यूज़ किया, और माई प्रोफाइल का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो आप अपना सिंपली व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो जिनके फ़ोन में ये OTP नहीं आ रहा था, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ यूज़फुल होने वाली है। और जो नए जियो के फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ होने वाली है, क्योंकि कुछ फ़ोनों में जो है OTP नहीं आ रहा, आप कितना भी ट्राई कर लेना। तो बस यही एक फंडा है कि आपको स्मार्टफोन में अपना फ़ोन डालना है, OTP सिंपल लेना है, और आपको अपने जो व्हाट्सअप है चला लेना है। तो सिंपली देखो आप जो हम काट के मैं आपको दोबारा एक बार व्हाट्सअप दिखाता हूँ। तो व्हाट्सअप है, मैंने जो आपको इसको अभी अपने नंबर चलाया, तो यहाँ पर देख सकते हो सारी कॉल्स आ चुकी हैं फिर रिटर्न से दोबारा से। तो यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पे जाकर के आप किसी का भी नंबर जो सेव कर पाओगे।
तो आई होप कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर पर प्रेस करना, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो वाइज सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।